आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जैसे लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया था ना, इफ सपोज टू और थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज यहां पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, हियर अ 10 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड, दिस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 2 एंड इट इज ऑफ 4। तो हम इन दोनों पे चार्ज निकाल सकते हैं, बिकॉज व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज दोनों पे सेम चार्ज स्टोर होने वाला है Q Q। यहां पे जो वोल्टेज होगा, बिकॉज व्हेन कैपेसिटेंस इन सीरीज इफ सेम चार्ज इज डेवलप, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर C ज्यादा होता है तो वहां पे V कम हो जाएगा, और अगर C कम है तो V, वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर इंक्रीजेस। सो दीस टू आर इन सीरीज। हम कैसे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहां पे जैसे मान लो मैंने x by 2 दे दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x by 4 वोल्ट। जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा, वोल्टेज को कम करते जाएंगे इन सीरीज कनेक्शन। व्हेन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इट्स वोल्टेज डिक्रीजेस, एंड व्हेन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इट्स वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो वैन सी ज्यादा है अगर तो वोल्टेज वहां पे कम रहेगा, और सी कम रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा। यहाँ पे ये जो दोनों कैपेसिटर्स है, दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी इन अ सर्किट। अगर मान लो यहाँ पे एक और होता, जैसे मान लो टू होता, ये टोटल कितना हो जाता, ये दोनों पैरेलल में रहते, इन दैट केस दीज टू आर इन पैरेलल दैट इज 6। तो ये कैपेसिटेंस 2 है और ये 6 है, तो यहाँ पे अगर x by 2 वोल्ट दिया तो यहाँ पे कितना हो जाता है, x by 6 वोल्ट। क्लियर, वही x by 6 इस पे जाता है, x by 6 इस पे। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते थे, x by 2 plus x by 6 is equal to 10, जो हम लोगों ने कैपेसिटर के केस में फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके देन यू कैन फाइंड द वोल्टेज। अब इस पूरे सर्किट में एक ही बैटरी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ओनली वन बैटरी इज कनेक्टेड, इन फ्रंट ऑफ दिस बैटरी कैपेसिटर्स आर देयर इन अ सर्किट। इफ सपोज मोर देन वन बैटरीज आर कनेक्टेड, अगर एक ही सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बैटरी है तो ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे एक बैटरी बीच में लगा दिया, एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, देन तो यू कैन नॉट से ना कि ये दोनों ये दो इसके सीरीज में नहीं है फिर, या सपोज ये नहीं होता, इसके बीच में एक और बैटरी कनेक्ट रहता। तो इफ मोर देन वन इन अ सर्किट, इफ मोर देन वन बैटरीज आर कनेक्टेड, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दैट मेथड इज नोड एनालिसिस। बाय यूजिंग नोड एनालिसिस वी कैन फाइंड नोड एनालिसिस। हम नोड एनालिसिस मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस अ कैपेसिटर इन अ सर्किट इफ मोर देन वन बैटरीज आर देयर। क्योंकि अगर एक से ज्यादा बैटरीज होते हैं तो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, हियर टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, ये सपोज 2 है, ये 2 और 2, तीनों 2 2 के थे, ये बहुत आसान है, ये हमारा कैपेसिटेंस 2 है, ये ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, बिकॉज दिस टू आर इन पैरेलल, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द वोल्टेज, हियर वोल्टेज व्हाट x by 2, हियर x by 4, देन यू कैन कैलकुलेट x एंड यू कैन गेट द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर। वो तो बहुत आसानी से हो जाता था, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, वन बैटरी इज कनेक्टेड हियर, दैट बैटरी इज ऑफ 4 वोल्ट। नाउ इन दिस सर्किट टू बैटरीज आर देयर, एक यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। अब हम नहीं बोल सकते कि ये और ये सीरीज में है, या फिर यहाँ पे जो वोल्टेज का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, या सपोज एक बैटरी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँ, कहीं पे भी ब्रांचेस में अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, तो हम नोड एनालिसिस मेथड को यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। नोड एनालिसिस मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि पूरे सर्किट में किसी एक पॉइंट को कहीं पे भी एक जगह हम अर्थिंग कर देते हैं, इस पूरे सर्किट में कहीं एक जगह अर्थिंग कर दो, किसी भी पॉइंट की अर्थिंग, मान लो मैंने इसकी अर्थिंग कर दिया, हम फ्री हैं कहीं पे भी अर्थ करने के लिए, तो अगर इसकी मैं अर्थिंग कर देता हूं, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। क्लियर, अब इस बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा, वो करंट इन तीनों कैपेसिटर्स में जाएगा स्टार्टिंग में, जब तक वो चार्ज नहीं हो जाते, वंस द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज करंट विल बिकम 0। तो अब सपोज यहां से गया, इस पे क्यू चार्ज आया, दिस क्यू, इस जंक्शन पे जाने के बाद वो चार्ज दो कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हियर सपोज चार्ज इज Q1 एंड हियर इट इज Q2। बैटरी से जब करंट फ्लो गया तो फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज दिया Q1, एट दिस जंक्शन दिस चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऊपर वाले कैपेसिटर को चार्ज दिया नीचे वाले, ऊपर वाले कैपेसिटर को चार्ज जा रहा है Q1, लोअर कैपेसिटर को चार्ज जा रहा है Q2। अपने को एक Q1 एंड Q2 फाइंड करना है। मैंने एक पॉइंट की अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने अर्थ कर दिया है, तो जब हम अर्थिंग कर देते हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस जंक्शन। क्लियर, इस जंक्शन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो व्हाट वी कैन से कि Q इज इक्वल टू, ये जो Q है यही स्प्लिट हुआ दो पार्ट में, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। जिस पॉइंट पे मैंने, ये कॉम्प्लिकेट जंक्शन था, इसकी मैंने अर्थिंग कर दिया, यहां पे भी कुछ वोल्टेज होगा मुझे नहीं मालूम है, मैं उसको कंसीडर कर ले रहा हूं V।
बिकॉज चार्ज निकालने के लिए हमको वोल्टेज का डिफरेंस मालूम होना चाहिए. इफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अबाउट दैट कैपेसिटर या अक्रॉस दैट कैपेसिटर देन ओनली यू कैन फाइंड द चार्ज. तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड था जंक्शन था इसकी मैंने अर्थिंग कर दिया और यहाँ पे जो एक जंक्शन है इसको मैंने वी वोल्ट मान लिया. ये भी मुझे मालूम नहीं, यही भी मैं कैलकुलेट करूंगा. अब देखो अगर ये वी मुझे मिल जाता है सो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के लेफ्ट साइड में वी वोल्ट है राइट साइड में जीरो है, इस कैपेसिटर के भी लेफ्ट साइड में वी है राइट साइड में जीरो, इन दोनों का वोल्टेज मालूम चल जाएगा. इसका भी हम वोल्टेज निकाल लेंगे देन वी कैन फाइंड द चार्ज. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, मतलब हम पहले नोड एनालिसिस, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इस पॉइंट की मैंने अर्थिंग कर दिया, जहां पे अर्थिंग करते हैं वहां पे जीरो है. सपोज जो क्यू चार्ज है उसकी कहानी यहां से स्टार्ट होके यहां तक इस पूरे वायर में, यहां से बैटरी से चार्ज चला क्यू. सो व्हाट वी कैन से, क्यू इज इक्वल टू, ये क्यू की स्प्लिटिंग हुई क्यू वन प्लस क्यू टू, जो चार्ज की स्प्लिटिंग हुई है इस जंक्शन पे, यहाँ पे जंक्शन पे जहां पे चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है वहां पे मैंने पोटेंशियल वी ले लिया. तो दैट चार्ज इज स्प्लिटेड एट दिस पॉइंट, एक कॉम्प्लिकेटेड सा जंक्शन था जहां पे स्प्लिटिंग हुई वहां पे वोल्टेज मैंने वी लिया. तो Q ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू. क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन डेल्टा वी वन प्लस सी टू डेल्टा वी टू, दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, सी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है. अब डेल्टा भी देखते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं बिकॉज जब करंट फ्लो करेगा यहां से ऐसे स्टार्टिंग में करंट फ्लो किया रहेगा यहां तक क्यू है, उसके बाद क्यू की स्प्लिटिंग हो गई, मतलब ये हमारा उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट अर्थिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट और वी इज द लास्ट पॉइंट. इस वायर में ही चार्ज क्यू फ्लो रहा है, उसके ऊपर क्यू वन क्यू टू है. तो चार्ज क्यू की कहानी यहां से यहां तक है, जीरो से स्टार्ट करके वी तक, जीरो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वी उसका फाइनल पॉइंट है. तो इफ यू हैव टू टेक द पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो से स्टार्ट करते हैं, सी हमको मालूम, सी को चलो अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूं, डेल्टा वी, डेल्टा वी मैं जीरो से, जहां तक चार्ज की कहानी है क्यू की कहानी मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो आगे बढ़ोगे बैटरी मिलेगा. तो बैटरी देख रहे हैं, बैटरी के मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहा हूँ, बैटरी में नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहा है मतलब वोल्टेज राइज कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, बिकॉज नेगेटिव प्लेट लो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव प्लेट हाई वोल्टेज में. तो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो जब वोल्टेज राइज करता है तो उसको हम प्लस लेंगे, तो प्लस 10 से वोल्टेज राइज कर गया. आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कैपेसिटर है, इसी के अक्रॉस अपने को चार्ज फाइंड करना है, जितनी भी बैटरीज हैं, ये हमारा 10 से राइज किया. यहाँ पे देखो ये जो बैटरी है, इस बैटरी के केस में क्या हो रहा है कि हम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो अगर पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज फॉल कर रहा है, दूसरी बैटरी यहाँ पे मिल रही है, तो वोल्टेज अगर फॉल करता है तो उसको माइनस वी लेंगे, मतलब माइनस 4 से फॉल कर गया. आगे हमको वी मिल रहा है, वी इज द फाइनल पॉइंट विच इज अननोन, वी ही अपने को निकालना है, तो फाइनल पॉइंट को हम माइनस करेंगे बिकॉज वोल्टेज का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं. तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, जो बैटरीज मिल रहे हैं सबको कंसीडर करते जाओ, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस 10 से राइज कर गया, आगे देख रहे हैं तो 4 से फॉल कर जा रहा है, तो जीरो प्लस 10 से राइज किया, आगे 4 से फॉल कर गया, माइनस वी, वी इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू सी वन. सी वन हमारा क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर, क्लियर, सी वन ये फर्स्ट कैपेसिटर है. तो फिर से यहाँ पे टू मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर. अब देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कहानी यहां से स्टार्ट होती है, वी से स्टार्ट होके ये जो क्यू वन फ्लो किया वी से स्टार्ट होके जीरो पे एंड हो जा रहा है, तो वी से स्टार्ट करो, वी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. इस कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज लिखेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वी आगे बढ़ो, ये हमारा कैपेसिटर है, आगे कुछ मिल नहीं रहा है, लास्ट में फाइनल पॉइंट कोई बैटरी नहीं मिली बीच में, हम फाइनल पॉइंट पहुंच गए जीरो पे, तो यहाँ पे वी है यहाँ पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सी टू इसके क्रॉस, C2 के कैपेसिटेंस कितना है 2, और वोल्टेज की कहानी देखो C2 के लिए भी जो सेकंड कैपेसिटर पे करंट जा रहा है वो यहां से यहां तक गया रहा होगा स्टार्टिंग में, तो V से स्टार्ट करके 0 तक, V टू 0 तक कहानी इस कैपेसिटर की है, तो 2 इनटू V, आगे जाएंगे कोई बैटरी नहीं मिले, लास्ट में पहुंच गए 0 पे. इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूं, पहला वाला कैपेसिटर भी 2 का ही था, अगर इसी को सॉल्व कर लेते तो यू कैन गेट वी. अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये 10-4 6 माइनस वी is equal to v plus 2v which is equal to 3v. यहां से हमको v मिल, ये उधर जाएगा, तो 4v is equal to 6, तो v is equal to कितना हो जाएगा 3/2. हमको v मालूम चल गया, the potential at this junction, we are getting potential at this junction is what 3/2 volt. एक बार junction का, इस junction का जहां से current की splitting हो रही वहां का voltage मालूम चल गया. Now you can get the charge across each capacitor. पहले का charge देख लो q, अब तो मैं q निकाल सकता हूँ, q क्या होगा, ये हमारा Q वाला पार्ट था, Q कितना था 2 इंटू 6 माइनस V, तो कितना हो जाएगा, V मैं निकाल चुका हूँ, V 3/2 आ चुका है, तो आई कैन सिंप्लीफाई दिस, 2 इंटू 6 माइनस 3/2, Q1
क्यू1 क्या है इसके क्रॉस चार्ज, तो क्यू1 क्या था 2 into, ये वाला पार्ट क्यू1 का था 2 into v-0, तो v कितना है 3/2 - 0, इसको सिंपलीफाई कर लो 3 आ गया। q2 तो चार्ज अक्रॉस दिस, ये q2 था, तो 2 into again v-0, दैट इज 3/2 - 0 व्हिच इज अगेन 3। और ये निकालोगे ना तो ये हमारा 6 - 3, वो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो 6 ही आएगा। देख लो ना 12 - 3 दैट इज 9/2 into 2, 2 कट जाएगा, तो जब यहां पे 6 - 10 - 4 दैट इज 6 - v, v की जगह 3/2 है, तो 2 into 6/2 तो हमारा कितना आ जाएगा 6 - 12 - 3 9/2 2 3 3 0। यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, 3 और 3 कहीं कुछ देखो कैलकुलेशन में गड़बड़, बिकॉज क्यू की वैल्यू 9 आ रही है यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करते हैं 10 - 4 6 - v, तो 6 - v 2 into कैपेसिटेंस 2 है 6 - v 6 - 3/2, तो 2 12 - 9/2 2 2 करके 9 आएगा, यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं तो q is equal to q1 plus q2 नहीं हो रहा है, कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया, फिर से देख लेते हैं q is equal to q1 plus q2, ये हमारा q की कहानी थी, q पूरा यहाँ से अर्थिंग से लेके यहाँ तक चार्ज q है, उसके बाद q1 और q2 स्प्लिटिंग हुई, q is equal to c into delta v, c हमारा कितना था इसका कैपेसिटेंस 2 delta v, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सो 0 प्लस 10 आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज फॉल कर रहा है तो -4 और -v, ठीक है, इज इक्वल टू c1, c1 इज व्हाट 2 into v - 0, v से 0 गए हैं, ठीक है, v - 0 प्लस 2 into v। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, ये मैंने v लिख दिया था, ये हमारा क्या होगा 2v होगा, ठीक है, 2 into v, तो 2v + 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4v, यहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो 6 - v इज इक्वल टू 4v या 5v = 6, 5v = 6, तो v = कितना आ जाएगा 6/5, अभी करेक्ट आया v, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो 6 - 6/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 into 6/5 - 0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6/5 - 0, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 into 6/5 12/5, ये भी कितना आ जाएगा 12/5, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो 5 6 30 - 6 24/5 into 2, तो उसको भी ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा 24/5 12/5, हाँ, तो देख लो ना यहाँ पे 24/5 है, तो अगर इन दोनों को ऐड करते तो वो सेम आ जाएगा 5 6 30 30 - 6 24/5 into 2, यार वो 48 आ रहा है, हेलो हाँ 48/5 आ रहा है, और यहाँ पे ऐड करोगे 12/5 12/5, तो 24/5, अभी भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ अच्छा, अरे हाँ सर, ये हमारा 6, तो ठीक है 12/5 12/5, यहाँ पे क्या होगा 6 - अच्छा हाँ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे देख लो ये हमारा 6 - v था ना, ये 2 कैंसिल हो चुका था, फिर भी मैंने इसको कंसीडर कर लिया, अरे वो यार ऐसा सिली मिस्टेक हो गया, 2v, ठीक है 6 - v 2v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3v, 3v = 6, तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, अब पुट करो 2 into 6 - 2, यहाँ पे क्या होगा 2 - 0, इधर भी क्या होगा 2 - 0, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, क्या यार सिंपल सम, तो कितना होगा 6 - 2 4 - 8, और इधर देखो कितना आ रहा है 4 4, अभी करेक्ट हुआ, ठीक है ये अभी करेक्ट है, वो दो बार कैसा मिस्टेक है, क्लियर। सो अगर नोडल एनालिसिस यूज करते हैं तो किसी भी जंक्शन पे कहीं पे भी अर्थिंग, मान लो एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन था उसकी मैंने अर्थिंग कर दिया, दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन को मैंने जहां पे चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही, एक जगह जहां चार्ज कनेक्ट हो रहे कंबाइन अर्थिंग के लिए, हालांकि मैं यहां पे भी अर्थिंग कर सकता था, बट फिर मैंने यहां पे कहीं पे भी फ्री हो अर्थिंग करने के लिए, अर्थिंग करने से चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता, यहां पे मैंने 0 वोल्ट मान लिया, फिर ये जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन था इसका वोल्टेज मैंने वी ले लिया, देन q is splitted into two parts, q is equal to q1 plus q2, so this charge is splitted at these two points, at this junction, into two parts, q1 and q2, फिर q is equal to q1 plus q2, q क्या होता है, c delta v is equal to c1 delta v1 plus c2 delta v2, c हमारा इसका capacity है, delta v पूरी ये voltage की कहानी, जो इसके cross, जहाँ पे इसका पूरा area है, तो 0 plus 10 minus 4 minus v, यहाँ से मैं start किया 0, voltage rise किया,
फिर से अगली बैटरी में वोल्टेज फॉल कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने की वोल्टेज फॉल कर जाएगा। तो 0 + 10 - 4 - V = 2, यहां से V - 0, अगला हमारा 0 है तो V - 0, दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस इज व्हाट V - 0 + 2 * V - 0, फिर इसको सिंपलीफाई कर लो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, अगर मैं सर्किट, अभी मैं क्वेश्चंस को चेंज कर रहा हूं, एक से ज्यादा बैटरीज मैं फिर से कनेक्ट करने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन, मान लो यहां पे हमारा कैपेसिटर है, देयर इज अ बैटरी, देन देयर इज अनदर बैटरी, एक कैपेसिटर है, फिर यहां पे एक बैटरी है, फिर से कैपेसिटर है, मैंने बैटरीज बहुत ज्यादा लगा दिया है। यहां पे भी एक से ज्यादा बैटरीज होती है तो वो अपना एक्स वाला मेथड नहीं चलेगा, तो यू हैव टू यूज दिस नोड एनालिसिस। यहां किरचॉफ लॉ यूज करते हैं, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो किरचॉफ लॉ यूज करना, यहां पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो बस नोड एनालिसिस लगा के सॉल्व कर लो, बिकॉज़ किरचॉफ लॉ से बहुत इक्वेशंस बनते हैं और उसको टाइम लगता है सॉल्व करने में। ये सपोज कर हमारा कैपेसिटेंस 4 है, ये 2 है, इधर हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है, इधर भी 2 वोल्ट की बैटरी, हियर आल्सो इट इज 2 वोल्ट, दिस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 एंड यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड। नाउ आई हैव टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर से क्या करो, अर्थिंग करो, किसी भी एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन को अर्थिंग कर दो, जैसे मैंने फिर से इसकी अर्थिंग कर दिया, ये 0 वोल्ट हो गया, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन जहां पे स्प्लिटिंग हो रहा है इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया। नॉर्मली हमको उसी जंक्शन का पोटेंशियल निकालना था जहां से चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है। तो फिर से अब बैटरी से चार्ज स्टार्ट होगा, इस पे चार्ज गया Q, आगे कोई कैपेसिटर नहीं, एट दिस जंक्शन इट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2, दैट चार्ज इज स्प्लिटेड, Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2। फिर से वही करो, Q = Q1 + Q2। अब Q देखो यहां पे इसका चार्ज कैलकुलेट करो, इस कैपेसिटर के लिए चार्ज की कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, यही वाला करंट पूरा इसका रेंज है, बिकॉज़ इसमें कहीं Q1 नहीं आ रहा, ये पूरा Q का इलाका है, तो जीरो से स्टार्ट करो। Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, C कितना है 2 डेल्टा V, डेल्टा V के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 आगे बढ़ूंगा वोल्टेज राइज करेगा बैटरी का +10, आगे बढ़ोगे ये बैटरी जो मिल रही है, बैटरी देखते जाएंगे हम, तो ये बैटरी मिल रही है, ये बैटरी की वोल्टेज को फॉल करा रहा है, तो -2, आगे हमारा V मिल गया, फाइनल पॉइंट इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड इज इक्वल टू Q1। इसमें देख लो, अब Q1 की कहानी यहां से यहां तक है, इस V से स्टार्ट होके अर्थ तक, सो V से स्टार्ट करो, कैपेसिटेंस कितना है 4, जो रास्ते में कैपेसिटर मिला उसका कैपेसिटेंस कितना है, एक ही कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटेंस 4, सी टू डेल्टा V, V से स्टार्ट करो, V आगे जाएंगे ये बैटरी मिलेगा, बैटरी वोल्टेज को फॉल करा रहा है बिकॉज पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, तो वोल्टेज फॉल करा है तो -2, फिर कुछ नहीं मिला, अर्थिंग पे अर्थ पॉइंट पे चले गए उसको माइनस कर दिया, फाइनल पॉइंट को हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस Q2 यहां से इधर साइड जाओ, फिर से कैपेसिटेंस इसका कितना, एक रास्ते में एक ही कैपेसिटर मिल रहा है वो अकेला, कैपेसिटेंस कितना है 2, फिर वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस V से V, आगे जाएंगे बैटरी मिल रहा है, यहां बैटरी में वोल्टेज राइज कर रहा है बिकॉज नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव, जब नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव मतलब लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई जा मतलब राइज कर रहा है, तो +2, आगे हम अर्थ में पहुंच गए -0, इसी को सॉल्व कर लो, V आ गया तो फिर सब में सब्स्टिट्यूट कर दो कि चार्जेस मिल जाएंगे, क्या होगा 2 4 2 है तो यहां से 2 2 2 कट जाएगा, इधर क्या होगा 8 - V इज इक्वल टू, इधर 2 बचेगा V - 2 + 2 V + 2, अरे यार फिर देखो यहां पर मैं 2 लिख दिया, ठीक है इसका 2 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी को सिंपलीफाई कर लो, 8 - V इज इक्वल टू 2V - 4 + V + 2, सिंपलीफाई कर लो, सो 8 - V इस 4 को इधर ले आओ और 2 को भी इधर ले आओ, तो -2 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो -2 ये साइड में -4 + 2 - 2 बचेगा, -2 इधर ऐड होगा 10 इज इक्वल टू V को वो सर 2V + V 3V + V 4V, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2 वोल्ट, ये हमारा 5/2 आ गया वोल्टेज, एक बार जंक्शन का जहां पे स्प्लिटिंग हो रही चार्ज की वहां का वोल्टेज मालूम चल गया, देन तो यू कैन गेट द चार्ज, अब तो सब Q1 Q2 Q3 सब मिल जाएगा। Q1 निकाल लो, पहले Q निकाल लेता हूं मैं, Q ये था, ये पूरा Q की कहानी थी, कितना था 2 8 - V, V निकाल चुके हैं 5/2, तो कितना हो जाएगा 2 into 8 - 5/2, 2 कितना कैंसिल कर लो, तो 2 is 16 - 5, दैट इज 11/2, तो ये 11 आ जाएगा। Q1 निकालो, Q1 ये है पूरा कहानी, तो Q1 क्या था 4V - 2, V कितना निकाले हम 5/2, तो 5/2 - 2, सिंपलीफाई करो तो 4 into 5/2 माने 5 - 4 मतलब 4 into ये हमारा 5/2 - 2 कितना हो जाएगा 5 - 4 1/2, कितना आ गया 2 आ गया। Q2 निकालो, Q2 ये पूरी कहानी 2 into V + 2, तो क्या हो जाएगा 2 into
वी प्लस टू, वी कितना है 5 बाई 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 9 बाई 2 इंटू 2 9 आ गया, दोनों ऐड कर दो देख लो 11 आ जा रहा है। ठीक है ऐड करके देख लेना, जब चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है Q1 2 है, Q2 9 है और दोनों ऐड करते हो तो 11, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो व्हेनेवर इन अ सर्किट, अगर कैपेसिटर के साथ साथ बहुत सारे बैटरीज भरे हुए हैं उस सर्किट में, तो क्या करो इन नोड एनालिसिस का मेथड यूज करो, किसी भी एक पॉइंट की अर्थिंग कर दो। एक पॉइंट की अर्थिंग करते हैं मतलब किसी एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन की अर्थिंग कर दो और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन का वोल्टेज निकाल लो, फिर वहां से अपना काम बन जाता है। चलो देखो मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ये सेकंड था, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मान लो अपने पास कैपेसिटर, दो दो कैपेसिटर साथ में मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है यहाँ पे एक बैटरी है, फिर एक कैपेसिटर है, इधर एक बैटरी ऐसा है, इधर एक कैपेसिटर अकेला है बेचारा, इस टाइप से सर्किट है एंड हियर बैटरी इज कनेक्टेड दिस वे, दिस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ये कैपेसिटेंस 2 के है, यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट की बैटरी, ये कैपेसिटेंस 4 का, इधर 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी कैपेसिटेंस 4 का, इधर कोई बैटरी नहीं है, ऐसे तीन चार कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों सीरीज में देखो साथ में कनेक्ट है, इनका हम एक इक्विवेलेंट ले लेंगे बिकॉज़ ये साथ में ही आ जा रहे हैं। अब एक किसी कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन को मैंने क्या होता है, किसी एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन की अर्थिंग कर दो, इसकी मैंने अर्थिंग कर दिया, और ये जो जंक्शन जहां पे चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है उसका वोल्टेज मैंने वी ले लिया। हालांकि अर्थिंग कहीं यहां 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 कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया भर के पॉइंट्स हैं, कहीं भी अर्थिंग करो कहीं भी वी लो, पर ज्यादा बेटर होगा हम यहां पे जहां पे कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन उसको अर्थिंग करेंगे तो वो सारा 0 वोल्ट कर देगा, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन है यहाँ पे वी, अगर वी मैं निकाल लेता हूँ मेरा पर्पस सॉल्व, सारे चार्जेस निकल जाएंगे। और फिर से वही कहानी, इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा स्टार्टिंग में चार्जिंग, पहले इसको चार्ज करते हुए जाएगा, फिर वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, तो इस पे चार्ज अगर क्यू है तो इस पे क्यू ही जाएगा बिकॉज ये दोनों साथ में है सीरीज में, तो सेम चार्ज जाएगा। देन दिस चार्ज इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2, फिर से वही कहानी, क्यू ही स्प्लिट हुआ है दो पार्ट में, तो क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्यू की कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा 0 वोल्ट जो अर्थिंग पॉइंट था, यहां से यहां तक क्यू का इलाका है पूरा 0 से लेके वी तक, तो 0 से स्टार्ट करो। अब क्यू क्या होता है, सी डेल्टा वी, ये दोनों का कैपेसिटेंस साथ में, बिकॉज़ दो दो कैपेसिटर हैं तो दोनों को साथ में लो, ये दोनों सीरीज में है, तो इफ टू इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनको अगर रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो 1 हो जाते हैं, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 1 इनटू, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 0, आगे बढ़ो बैटरी है, बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, राइज कर रहा है प्लस 10, आगे गए दोनों कैपेसिटर्स बैटरी देख लो यहाँ पे फॉल कर रहा है वोल्टेज, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है -4, फिर हम वी पे पहुंच गए -V, फाइनल पॉइंट को हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू Q1। अब Q1 के लिए वी स्टार्टिंग पॉइंट है, वी से जा रहे हैं अर्थ की तरफ, तो यहाँ पे सी देखो एक ही कैपेसिटर है 4 कैपेसिटर है उसका सी डेल्टा वी, डेल्टा वी, वी से हम अर्थ तक जा रहे हैं, तो वी आगे बढ़ो बैटरी देखो, एक बैटरी मिल रहा है जिसका वोल्टेज राइज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब वोल्टेज राइज किया, तो प्लस 2 लास्ट में अर्थ पे पहुंच गया -0 प्लस Q2 के लिए क्या लेंगे सी डेल्टा वी, सी यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है वो भी 4 है, डेल्टा वी, वी से स्टार्ट करके अर्थ पे जाओ तो वी अर्थ पे पहुंच गया -0, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, वी आ गया, एक बार वी आ गया देन यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द चार्ज, कितना होगा 10 माइनस वी 10 माइनस 4 6 माइनस वी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 4 वी प्लस 2, मल्टीप्लाई करता जाता हूं बिकॉज कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 4v + 8 + 4v, सिंप्लीफाई करो 8 को इधर ले आओ, नेगेटिव में पोटेंशियल मिलेगा मुझे लगता है, 8 इधर आएगा तो -2 = v, इधर आएगा 4 + 9v, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है -2/9। अब नेगेटिव में आ गया तो ऐसा डर मत जाना, नेगेटिव में आ सकता है वोल्टेज, ठीक है तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, v आ गया कितना -2/9, अब हो गया मेन v ही हमको निकालना था, v मिल गया आप सबका चार्ज निकाल लो, क्यों क्यों इसकी कहानी पूरी ये थी, कितना था 1 × 6 - v, तो 6 - v था, 6 - v की वैल्यू क्या था -2/9, तो कितना हो जाएगा 6 + 2/9, सिंप्लीफाई कर लो 54 + 2 = 56 56/9, ठीक है तो हमारा जो चार्ज मेन चार्ज आ रहा है कितना रहा है 56/9। अब Q1 निकालो, Q1 कितना था 4 × v + 2, 4 × v, v की वैल्यू पुट करो मतलब 2 - 2/9, आप सिंप्लीफाई करो 4 × 2 - 2/9 18 - 2 16/9, तो कितना हो जाएगा 64/9, ये तो 56/9 से स्टार्टिंग में ज्यादा आ जा रहा है,
यहाँ पे माइनस टू बाय नाइन तो वी प्लस टू, ठीक है, तो फोर इंटू वी प्लस टू, वी हमारा पॉजिटिव, टू पॉजिटिव था, टू माइनस टू बाय नाइन, ठीक है, एटीन माइनस टू सिक्सटीन बाय नाइन इंटू फोर, तो सिक्सटीन बाय नाइन इंटू फोर तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर बाय नाइन, चलो ठीक है, क्यू वन आ गया, क्यू टू देख लो, क्यू टू हमारा कितना है फोर बी, तो फोर इंटू माइनस, अच्छा हाँ सही है, माइनस टू बाई नाइन, तो कितना हो रहा है माइनस एट बाई नाइन। अब देख लो ये जो Q2 है ये नेगेटिव आ रहा है, Q1 पॉजिटिव है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 56 बाय 9। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q2 जो है वो क्या शो कर रहा है, अगर Q2 की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब जानते हो Q1 तो जैसा मैंने माना था, मतलब Q1 का पॉजिटिव प्लेट इधर होगा नेगेटिव इधर, लेकिन Q2 उल्टा है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव आ रहा है। देखो जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब जो पहला प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, Q1 हमारा पॉजिटिव आया था तो एज इट इज, इसमें भी पॉजिटिव आया, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये ऐसे ही है जैसे हमने एज्यूम किया है, लेकिन ये उल्टा आ गया है, Q2 उल्टा आ गया, Q2 नेगेटिव आ गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों ऐड करोगे तो Q के इक्वल मिल रहा है, मतलब Q1 Q2 ऐड करते हैं तो Q ही है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q2 नेगेटिव वाला, इसका मतलब पहले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव, चार्ज उल्टा हो गया है, क्यों जानते हो गया, बिकॉज इस साइड का वोल्टेज माइनस में था और इस साइड वोल्टेज क्या है जीरो, तो माइनस से जीरो ज्यादा है, मतलब ये हाई वोल्ट है इधर लो वोल्ट है, तो चार्ज ऐसे फ्लो किया है हाई वोल्ट टू लो वोल्ट की तरफ, ऐड करोगे तो फिर से वही क्यू इज इक्वल टू आ जा रहा है क्यू वन प्लस क्यू टू, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई भी सर्किट हो उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन किसी की अर्थिंग कर दो और किसी को दूसरे जो दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन है उसका फॉर्मेशन हम वी मान लेंगे, वही वी हमको निकालना रहता है हमें। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है, इधर एक जंक्शन है, वहां से स्प्लिटिंग हो गई, ये बैटरी है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ऐसा लीजिए हमें, फिर से कैपेसिटर है दिस वे, यहाँ पे एक बैटरी मेन बैटरी है, ठीक है, ये हमारा 10 वोल्ट है, ये 4 है, ये कैपेसिटेंस 2 है, ये 4 है, इधर 2 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लिया मैंने, यहाँ पे 2 वोल्ट। अब देखो हम आजाद हैं कहीं पे भी अर्थिंग करने के लिए, अब इस बार मैं यहाँ पे अर्थिंग मार दे रहा हूँ, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, मतलब ये जीरो हो गया, तो दूसरा ये जंक्शन जो है वहां पे वोल्टेज वी मैंने मान लिया, आजाद होते हैं कहीं पे भी अर्थिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इस बार इसको अर्थिंग कर दिया, ठीक है, जहां मर्जी वहां अर्थिंग करो, ये हमारा जीरो हो गया, बैटरी से चार्ज चलेगा, क्यू यहाँ पे क्यू जाएगा, बाद में वो स्प्लिट हो जाएगा Q1 and Q2, फिर से वही कहानी Q is equal to Q1 plus Q2, Q जो चार्ज इसमें चार्ज है वो उसका कहां V से स्टार्ट करके यहां तक में Q चार्ज फ्लो किया है, बाद में वो स्प्लिट हो गया है, तो चलो C डेल्टा V पूरे रास्ते में V से लेके अर्थिंग तक, V से लेके अर्थिंग तक Q का एरिया है, पूरा Q का रेंज है, तो Q में एक ही कैपेसिटर है, कितना 4 वोल्टेज V से स्टार्ट करो, V आगे बढ़ोगे बैटरी राइज करेगा तो प्लस 10 बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव, फिर गए यहां पर भी राइज कर रहा है प्लस 2, लास्ट पॉइंट हमारा माइनस अर्थिंग है तो उसको माइनस जीरो, फाइनल पॉइंट हमेशा जीरो मतलब माइनस करते हैं, इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू वन की कहानी यहां से यहां जीरो से लेके वी तक है, एक ही कैपेसिटर मिल रहा है बस 2, अब जीरो से स्टार्ट करो, जीरो आगे बढ़ोगे बैटरी मिलेगा, वोल्टेज राइज कर रहा है प्लस 2, पहुंच जाओगे वी पे, वी को माइनस करना, फाइनल पॉइंट हमेशा माइनस करेंगे प्लस क्यू टू, क्यू टू ये वाला एरिया है, ये वाला वायर, फिर से यहाँ पे एक ही रास्ते में कैपेसिटर है 4, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से आगे बढ़ो, बैटरी मिला है, बैटरी वोल्टेज को फॉल करा रहा है तो माइनस 4, पहुंच जाएंगे वी पे, माइनस वी हो गया, अब यहाँ से वी निकाल लो दोनों साइड को सॉल्व करो, 4 2 4 है तो 2 तो कटेगा, तो 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी प्लस 12 इज इक्वल टू, इधर ये 2 कट गया 2 माइनस वी प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 बचेगा 4 से तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 8 माइनस 2 वी, इसी को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2 वी प्लस 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3v, सिंप्लीफाई करो 3v को इधर ले जाओ 24 को इधर, यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आ रहा, 3v आएगा तो क्या हो जाएगा 5v is equal to माइनस 6 माइनस 24 या 5v is equal to माइनस 6 माइनस 24 30 माइनस 30 तो v कितना आ गया माइनस 6 वोल्ट, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है ये नेगेटिव में आ रहा है माइनस 6 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है उससे ऐसा डरने की जरूरत नहीं, बस अब चार्ज निकाल लो क्यू क्यू वन क्यू टू सब निकालो, पहले क्यू निकालो तो Q is equal to क्या हो गया हमारा Q is equal to, ये पूरी कहानी Q की थी 4 into V plus 12 put कर दो Q आ रहा है जो हमारा Q है तो 4 into कितना आ जाएगा 4 into V मैं निकाल चुका हूँ V कितना आ रहा है माइनस 6 वोल्ट
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व, यहाँ जाएगा सिक्स बचेगा सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर। क्यू वन निकालो, क्यू वन ये वाली ये पूरी कहानी क्यू वन की है, टू इंटू टू माइनस बी तो कितना होगा टू इंटू टू माइनस बी की जगह पुट करेंगे माइनस सिक्स तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा एट इंटू टू सिक्सटीन। क्यू टू फोर इंटू माइनस फोर माइनस बी तो क्या होगा फोर इंटू माइनस फोर माइनस बी करोगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा तो अब कितना आ रहा है टू इंटू फोर इंटू टू एट। अब देख लो एट और सिक्सटीन ऐड करोगे तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा क्लियर। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। तो कोई भी एक अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इन विच मोर देन वन बैटरीज आर देयर, अगर एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो हमारे जो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकल नहीं पाता तो हम इजीली चार्ज नहीं फाइंड कर सकते, तो वहां पे हम नोड एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है कि हर एक लूप के लिए एक इक्वेशन बना, वो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ हर एक लूप के लिए एक अलग इक्वेशन बनता है, तो यहाँ पे तीन लूप है तीन इक्वेशन बन जाएगा, वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत झंझट होता है। तो बोर्ड एग्जाम में तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन में आता है तो वहां पे डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करो, किसी भी एक पॉइंट की अर्थिंग कर दो, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड जो जंक्शन वहां पे पोटेंशियल मैंने वी मान लिया, देन चार्ज को स्प्लिट हुआ जैसे वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ चार्ज को देख लो, और जिस पॉइंट एक कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन को मैंने अर्थिंग कर दिया, जो दूसरा कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन है वहां पे पोटेंशियल मैंने वी ले लिया। वंस यू कैन गेट वी, यही वी मेन हमको निकालना है, वी एक बार निकल गया तो हर एक कैपेसिटर का हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो मैंने देख लो जहां जंक्शन से स्प्लिटिंग हो गई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये भी किरचॉफ्स लॉ ही है कि एक जंक्शन पे करंट स्प्लिट होता है चार्ज स्प्लिट होता है, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, बट हमने लूप लॉ नहीं अप्लाई किया है। तो सिंपल हम देख लो Q, Q का पूरा यहां से यहां तक Q चार्ज फ्लो, ये बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा तो ये वायर में चार्ज Q फ्लो हुआ, इस वायर में Q1 और इस वायर में Q2, सो कैलकुलेट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q क्या होता है C डेल्टा V कैपेसिटेंस, ये पूरे रास्ते में Q वाले रास्ते में एक ही कैपेसिटर है That is of 4, तो 4 into delta V, यहां से start करो, V plus 10, because voltage rise कर रहा है, तो V plus 10, यहां पे भी rise कर रहा है, plus 2, तो V plus 10 plus 2, last point को हम, final point को हमेशा minus करते हैं, तो minus 0, is equal to Q1, Q1 यहां से start होगी, यहां तक गया है, so 2 into 0 plus 2 minus V, यहां से जा रहे हैं, यहां पे voltage rise कर गया, और ये final point को हम subtract करेंगे, तो 0 plus 2 minus V plus 4, 0 minus 4 minus V, इसको solve करोगे, V मिल जाएगा, एक बार इस जंक्शन का V मिल गया, then you can solve. V मिल गया तो फिर इस Q1, Q2, Q3 के एक्सप्रेशन पुट कर दो V की वैल्यू, you'll get the charge.